नमस्ते बच्चों, आज हम आपके लिए एक सुंदर कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक बच्चे की, जिसका नाम था रोहन। रोहन एक बहुत ही प्यारा बच्चा था और सब उससे बहुत पसंद करते थे। एक दिन उसकी मम्मी ने यूज एक नया स्कूल बैग गिफ्ट किया। रोहन बहुत खुश था और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। रोहन का स्कूल बस सुबह जल्दी ही आ गया और वो अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो अपने बैग को खोला, उसने देखा कि उसका पेंसिल बॉक्स बैग के अंदर नहीं है। रोहन बहुत परेशान हो गया। उसने सभी क्लासमेट से पूछा, लेकिन किसी के पास भी उसका पेंसिल बॉक्स नहीं था। रोहन बहुत उदास हो गया और स्कूल जाने के बाद भी वो अपना पेंसिल बॉक्स नहीं ढूंढ पाया। घर आने पर रोहन बहुत रोया और अपनी मम्मी को बताया कि उसका पेंसिल बॉक्स स्कूल में खो गया है। उसकी मम्मी ने यूं समझाया कि कुछ चीजें हमारे पास आती है और कुछ चीजें हमारे पास नहीं आती है, पर हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। रोहन की मम्मी ने यूज एक नया पेंसिल बॉक्स गिफ्ट किया और यूज मुस्कुराने के लिए कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हमारे पास कुछ चीजें नहीं होती है, पर हमें हमेशा मुस्कुराने के लिए कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। हम मुस्कुराकर अपने आगे के सफर को आसानी से पार कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।